हाय एवरीवन, आई एम अशोक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन में इस तरह का फोल्डिंग देखने में कितना अच्छा लगे। इस तरह का फोल्डिंग करना बहुत ही ईजी, बस आपको गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो गाइस, सबसे पहले ये बैकग्राउंड को ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये बैकग्राउंड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके बाद क्या करना है, ऐड फोटो में जाके इस बैकग्राउंड में अपने मॉडल की पेंजी को ऐड करना है। ये मॉडल की पेंजी भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके आप इजीली फोटो एडिट कर सकते हो गाइस। उसके बाद ये मॉडल के पेंजी को बैकग्राउंड में अच्छी तरह से एडजस्ट करनी है, तो अपने हिसाब से इस मॉडल के पेंजी को बैकग्राउंड में एडजस्ट कर लेनी है। एडजस्ट करने के बाद इरेजर में जाके बचे हुए हिस्से को इरेज कर लेंगे, तो नीचे के हिस्से को इस तरह से आपको भी इरेज कर लेना है। ओके, इरेज हो जाने के बाद क्या करना होगा, इस फोटो को फिर से गाइस बैकग्राउंड में एडजस्ट करनी है। थोड़ा सा इसकी साइज को थोड़ा सा कम करके इस पीएनजी को बैकग्राउंड में एडजस्ट कर लेनी है। उसको क्या करना होगा, इस फिर से हमें ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद इस बार ग्रास की पीएनजी को ऐड करना है। ये ग्रास की पीएनजी भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये ग्रास की पीएनजी को फुल स्क्रीन कर लेनी है इस तरह से। ओके, उसके बाद गाइस डॉटल में जाकर इस फोटो को सेव कर लेंगे। उसको जो भी काम है अपने फ़ोन के लेटरूम एप्लीकेशन में। ओके, तो गाइस लेटरूम एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद क्या करना होगा, इस फोटो को ऐड करना है। ओके, उसके बाद फोटो कलर्स में जाके इसको मैनुअल तरीक़े से इसके शैडो को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद मिक्स टूल में जाके इसकी टेम्परेचर को काम करेंगे, अपने टेन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कलर मिक्स टूल में जाके फर्स्ट कलर के ह्यूमेंस को इंक्रीज करेंगे और सेकेंड कलर के ह्यूमेंस को इंक्रीज करेंगे। ओके, येलो कलर के ह्यू को गाइस थोड़ा सा कम रखेंगे इस तरह से। तो ग्रीन कलर के भी ह्यू को थोड़ा सा अपने हिसाब से कम रखेंगे। ओके, इस तरह से आपको भी कलर्स मैच कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद गाइस क्या करना होगा, इस फोटो को फिर से हमें डन कर लेंगे। डन करने के बाद इसकी क्लैरिटी में जाके इसकी टेक्सचर को कम करेंगे, क्लैरिटी को भी थोड़ा सा कम रखेंगे, विगनेट को भी थोड़ा सा कम रखेंगे। ओके, उसके बाद शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, नॉइस रिडक्शन को भी, कलर नॉइस रिडक्शन को भी, उसको डिटेल को फुल करेंगे। ओके, ये दोनों टूल्स को ऑन करके देख सकते हो गाइस, देखने में फोटो एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। तो गाइस इस फोटो को सेव कर देते हैं। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए।